कभी कभार हम अपने ही कुछ फैमिली मेंबर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और इतना ज़्यादा प्यार कि उनके लिए हम कोई भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं बिना ये सोचे कि क्या वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, या फिर ज़रूरत आने पे क्या वो हमारे लिए भी वैसे कुछ सेक्रीफाइसेस कर सकेंगे। लेकिन क्या हो, वही फैमिली मेंबर जिनके लिए आपने इतने सेक्रीफाइसेस किए हों, वो किसी कारण की वजह से आपकी जान लेने तक पे उतारू हो जाएं, और यहाँ तक कि वो आप पे ब्लैक मैजिक तक कर दें इस मोटिव से कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे इस सब्सक्राइबर के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था ये कविता के साथ ही हुआ था, अर्ली 2000 में। जो कविता हैं वो उत्तराखंड की रहने वाली हैं। जिन्होंने हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया उनका असली नाम कविता नहीं है, बल्कि उनके साथ ये इंसिडेंट उन्हीं के फैमिली मेंबर की वजह से हुआ था, और इसी वजह से उन्होंने अपना नाम तक बताने से मना किया है। लेकिन स्टोरी पर्सपेक्टिव से इनको हम कविता बुलाएंगे। और इस इंसिडेंट में कविता के अलावा जिनका नाम आपको जानना ज़रूरी है वो है कविता की कज़न, जिनका नाम है ममता। तो ये जो कविता और ममता थी ये ताया चाचा की बेटियाँ थी, मतलब दो सगे भाइयों की बेटियाँ थी, और बचपन से ही इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। धीरे धीरे ये दोनों बड़ी हो रही थी, लेकिन इन दोनों के रिलेशन में एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल स्टेटस। जो कविता के डैड थे वो उस समय एयरफोर्स में थे, लेकिन वहीं जो ममता के डैड थे वो सिर्फ एक फैक्ट्री में काम करते थे एक मजदूर की तरह। तो इसी वजह से दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था, लेकिन ये दोनों साथ में ही रहती थी बचपन से ही। जो ममता थी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कविता के घर पे ही रहती थी, और अगर उसको कविता की कोई ड्रेस कुछ भी पसंद आ जाए तो कविता बिना सोचे उसको दे दिया करती थी, मतलब कविता उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती थी, इनफैक्ट कविता अगर अपने लिए कुछ नए कपड़े भी लेने जाती थी या फिर कुछ भी नया लेने जाती थी तो वो वैसी ही चीज़ें ममता के लिए भी लेती थी। और साथ ही जो कविता के डैड हैं वो भी ममता के डैड की फाइनेंशियली हेल्प करते ही रहते थे, क्योंकि उन दोनों भाइयों में भी बहुत ही ज़्यादा प्यार था। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो थी ममता की मॉम। ये जो कुछ भी कविता के डैड ममता के डैड के लिए करते थे उस सब से ममता की मॉम को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो उन दोनों भाइयों का प्यार था वो उनको ऐसा लगता था कि शायद वो हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, या फिर उसको ऐसा लगता था कि उनके इंटेंशंस ही हमेशा ऐसे रहे हैं कि वो हमें नीचा दिखाएं, और जो भी अच्छाइयाँ वो करते थे वो उनको हमेशा बुराइयाँ ही दिखती थी। लेकिन अभी तक उसने ये सारी बातें अपने दिल में ही रखी हुई थी। अब धीरे धीरे ममता और कविता दोनों बड़ी हो रही थी, स्कूल का जो लास्ट पड़ाव होता है वहाँ पे ये पहुँची थी, दोनों की 12th कंप्लीट हो गई थी। अब इसके बाद जो कविता के डैड थे उन्होंने तो प्लान किया था कविता को कॉलेज भेजने का, लेकिन वहीं जो ममता की फैमिली थी उनके लिए शायद ममता को आगे पढ़ा पाना फाइनेंशियली पॉसिबल ही नहीं था। अब इसीलिए जो ममता थी उसने 12th के बाद ड्रॉप ही करना था, और फैमिली का ये प्लान था कि उसको सिलाई वगैरह सिखा के उसके बाद इसकी शादी कर देंगे। लेकिन जो कविता थी वो भी ममता के घर आती जाती ही रहती थी, दोनों भाइयों का अलग अलग ही घर था। और जब कविता ममता के घर गई थी 12th के बाद तो उसने ममता की मोम को भी बोला कि इसको भी साथ में कॉलेज भेज दो, लेकिन जो ममता की मोम थी उसका गुस्सा कविता पे निकल ही गया। उसने कोशिश तो बहुत की रोकने की, लेकिन ये बात उसके मुंह पे आ ही गई कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो तुम्हारे बाप की तरह बहुत अच्छा नहीं है। इसके बाद उसको समझ आ गया कि शायद वो ज़्यादा ही रूढ़ हो गई है, तो उसने बात को घुमा दिया और बहुत प्यार से सेम ही बात बोली कि फाइनेंशियली हम इसको पढ़ाना आगे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये पहली बारी हुआ था जब कविता को ममता की मोम का ये वाला रूप भी देखने को मिला था, मतलब कि जिस तरह से वो बात कर रही थी वो कविता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी उसने इस बात को इग्नोर ही किया, और उसको ममता के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तो वो अपने डैड के पास गई और उसने अपने डैड को बताया कि जैसे आप चाहते हैं कि मैं आगे कॉलेज में पढूं, क्या हम ममता की पढ़ाई भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसके डैड ने बिना कुछ सोचे इस बात के लिए हाँ कर दी, और उसी शाम उन्होंने ममता के डैड को अपने पास बुलाया। इसके बाद दोनों भाइयों में डिस्कशन हुआ, जिसमें जो कविता के डैड थे उन्होंने ममता के डैड को यही बोला कि इसको कॉलेज पढ़ने डालो, जो भी उसकी एजुकेशन का खर्चा होगा वो सारा का सारा कविता के डैड ही उठाएंगे। लेकिन इस बात पे जो ममता के डैड थे उन्होंने भी उनको यही बोला कि कोई बात नहीं, मुझे आइडिया नहीं था कि ममता आगे भी पढ़ना चाहती है, नहीं तो ये खर्चा इसका मैं ही अफोर्ड कर लेता।
लेकिन जो कविता के डैड थे उनको पता था कि फाइनेंशियली शायद ये इतने स्टेबल नहीं है और शायद वो इसकी पढ़ाई अगर अफोर्ड करेंगे तो बाकी कहीं ना कहीं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती करके अपने भाई को मना लिया कि जो ममता की एजुकेशन का खर्चा होगा वो भी वही उठाएंगे। अब जब ममता के डैड ने ममता की मोम को यही बात घर जाके बताई तो ममता की मोम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये हमेशा से ही हमारी गरीबी का ही मजाक उड़ाते रहे हैं। और वो दोनों भाइयों के प्यार को समझ ही नहीं रही थी, वो ये समझ ही नहीं रही थी कि जो कविता के डैड हैं वो उनका भला ही चाहते हैं। लेकिन जैसे तैसे ममता के डैड ने उसको बहला फुसला के मना लिया। उसने उसको यही समझाया बेसिकली कि अपने गुस्से की वजह से अपनी बेटी का नुकसान क्यों करना, अगर वो पढ़ लिख जाएगी खुद अच्छे से जॉब कर लेगी तो उसको हस्बैंड भी अच्छा ही मिलेगा, अदरवाइज़ अगर वो 12th बेसिस ही जाएगी तो उसको हस्बैंड भी वैसा ही मिलेगा। तो ये बात सुन के जो ममता की मोम थी वो भी एग्री होगी। लेकिन दूसरी तरफ ममता, जिसकी कविता के साथ बहुत ही अच्छी बनती थी, धीरे धीरे ममता की मोम ने ममता के दिमाग में भी वैसी ही चीज़ें डालना शुरू कर दी थी कि जो ममता की मोम के दिमाग में हेटेड था उनके लिए वो उन्होंने ममता में भी भरना शुरू कर दिया था। वो बताते रहते थे कि कविता तुम्हें अपने पुराने कपड़े दे जाती है जो उसके यूज़ के नहीं रहते, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताती थी, जिससे धीरे धीरे ममता में भी वो सारा हेटरेड आना शुरू हो गया था जो कि अभी तक ममता की मोम के दिल में ही था। अभी वो जब भी कविता के साथ रहती थी तो वो अच्छी ही रहती थी, लेकिन जैसे ही वो उसके आगे पीछे होती थी तो उसके दिमाग में वैसी ही चीज़ें चलती थी और उसने उसको लिटरली नफ़रत की नज़रों से देखना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद दोनों की कॉलेज में एडमिशन भी होगी। शुरू शुरू में सब अच्छा जा रहा था और दोनों कॉलेज में ही पीजी लेके रह रही थी। जो कविता थी उसको कॉलेज में ही एक लड़का मिला जो कि एक बिजनेसमैन का बेटा था। ऑब्वियसली उसने भी अपनी स्टडीज़ के बाद वो बिजनेस ही संभालना था, मीन्स ही वॉज वेरी रिच। तो धीरे धीरे उन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन यही चीज़ ममता से नहीं देखी जा रही थी कि जो उसकी कज़न है वो बचपन से ही सुखी रही है, खुश रही है और उसकी आने वाली ज़िंदगी भी बहुत अच्छी जाएगी जिस तरह से वो चल रही थी या फिर जैसा लड़का उसको मिल गया था। और वैसे भी ममता को उस लड़के के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में यही था कि अगर ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड होता तो उसकी आने वाली सारी की सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती, जो गरीबी उसने बचपन से देखी है वो शायद सॉर्टेड हो जाती। तो इसके बाद जो ममता थी उससे रहा नहीं गया, उसने अपनी मोम से ये सारी की सारी बात शेयर की कि किस तरह से कविता ने वहाँ पे एक बॉयफ्रेंड बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच है, जिसकी वजह से वो अपनी आगे की ज़िंदगी में बहुत ही सुखी रहेगी, लेकिन यही सुख शायद ममता और उसकी मोम से देखा नहीं गया। तो ममता की मोम ने बातों को घुमा फिरा के कविता के घर पे बता दिया और वो इस तरह से उन्होंने बताया कि वो जो कविता थी वो उसके साथ रात रात भर रुकती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपने पीजी में वापस आती ही नहीं है, जो कि ऑब्वियसली झूठ था। अब इसके बाद जो कविता की फैमिली थी उन्होंने कविता को वापस बुला लिया, हालांकि ममता वहीं पे थी। तो इसके बाद जो कविता की फैमिली थी उन्होंने कविता को वापस घर बुला लिया और इतना कुछ उन्होंने सुन लिया था ममता की मोम के मुंह से कि वो कविता को चाह के भी वापस नहीं भेजना चाहते थे, तो उन्होंने कविता को घर पे ही रख लिया। लेकिन वहीं जो बॉयफ्रेंड था कविता का वो कॉलेज में परेशान होने लग पड़ा और उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स ममता होती थी। ममता के साथ वो ज़्यादातर इसलिए रहता था कि शायद कभी ना कभी वो उसकी कविता से बात करवा देगी किसी ना किसी वे में, या फिर शायद कविता जब आएगी भी तो सबसे पहले ममता से ही मिलेगी, क्योंकि ममता ने कविता के बॉयफ्रेंड को कुछ भी नहीं बताया था कि क्यों कविता वापस घर गई है। उसने बस ऐसे ही बताया था कि कविता को वापस घर बुलाया और उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से वो वापस नहीं आ पा रही है, ना ही वो उसका लैंडलाइन नंबर उसको देती थी ना ही कुछ, बस उसको ये बताती रहती थी कि शायद वो जल्दी ही आ जाएगी। असल में वो चाहती थी कि वो उसके क्लोज हो जाए लड़के के ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन लड़के के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ उससे इसलिए मिलता था कि कहीं ना कहीं से कविता का कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट तो मिल जाए। तो धीरे धीरे ममता और उसकी मोम को लग रहा था कि शायद उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन ये प्लान उनके लिए ही उल्टा पड़ गया। जो कविता थी असल में वो अपनी मोम और भाई से बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, तो उसने कोशिश की उनको समझाने की कि हाँ सच में वो रिलेशनशिप में तो है, लेकिन जो भी आपको बताया गया है वो बिल्कुल झूठ है कि वो रात रात को उसके साथ रुकती है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और उसने उस लड़के की भी ठीक ठाक तारीफें की कि वो बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट उनको खुद उससे एक बारी मिल लेना चाहिए। और वैसा ही कविता की फैमिली ने कविता पे भरोसा करके किया और वो सच में जब लड़के से मिले तो उनको भी वो लड़का बहुत पसंद आया, साथ ही उसकी फैमिली भी बहुत पसंद आई। और जो ममता ने कोशिश की थी उनका रिश्ता ख़राब करने की, वो दूसरे लेवल पे चला गया था ऑलमोस्ट, मतलब उनकी शादी तक की बातें होने लग पड़ी थी। अब इसके बाद ममता और उसकी मोम को इससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू होगी,
अब जो चीज़ें उनको नॉर्मली हाथों में लग रही थी वो शायद उनके हाथों से दूर जा रही थी, और इसके लिए अब उन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, सिर्फ और सिर्फ कविता की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। और ब्लैक मैजिक करने का भी असली रीज़न यही था कि उनके फैमिली रिलेशंस भी ख़राब हो गए थे, क्योंकि कविता के घर पे पता चल गया था कि क्यों ममता और उसकी मॉम ने ये सब कुछ उनको बताया था और किस इंटेंशन से बताया था। वहीं लड़के को भी जो ममता के इंटेंशंस थे वो दिखने शुरू हो गए थे, तो उसने भी कविता को सब कुछ बताया। अब इसके बाद जो कविता थी वो बाय हार्ट बहुत ही अच्छी थी, उसने ममता को फिर भी माफ़ कर दिया। और ममता की जो फैमिली थी वो फिर से कविता के घर गई थी मिठाई लेके कि उनका जो रिश्ता है वो हो रहा है, लेकिन उसी मिठाई में उन्होंने कुछ ऐसा मिलाया था जिसकी वजह से कविता की ज़िंदगी ख़राब होने वाली थी। असल में जो उन्होंने कविता पे ब्लैक मैजिक किया था वो इसी मिठाई में कुछ मिला के किया था, इसीलिए बोला भी जाता है कि अगर आपको किसी पे डाउट हो तो उनके हाथ का मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें होती हैं जो इंसान खिलाता है कुछ, वो मीठे में ही मिक्स करके खिलाता है। और ऐसा ही कुछ कविता के साथ हो गया था। कविता इस बात से बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी कि ममता और उसकी मोम उसके साथ ऐसा भी कर सकती हैं। अब इसके बाद जब कविता की रिंग सर्मनी थी तो उस ड्यूरिंग ही कविता की हालत खराब होने लग पड़ी। कविता ने इस फंक्शन के ड्यूरिंग ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और वो रोए जाए चिल्लाए जाए और बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रही थी, जैसे वो शायद पागल हो रही है। उसको कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसे मारना चाहता है, और ये सब कुछ इस तरह से दिख रहा था जैसे कोई इंसान पागली हो गया है। तो अब ये जो लड़का था जिसके साथ कविता की सगाई होने वाली थी, रिंग सर्मनी होने वाली थी, वो लड़के की फैमिली भी कविता की हालत देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी, और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि जो चीज़ वो करने वाले हैं, मतलब कि जो रिंग सर्मनी थी, उनको वो कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर रोक देनी चाहिए। अब इसके बाद जिस बात का डर था वही हुआ, जो उनकी रिंग सर्मनी थी वो पोस्टपोन होगी कविता की ऐसी हालत देखते हुए। लेकिन जो कविता की हालत थी वो इसके बाद भी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कविता डे बाय डे और भी बीमार होती जा रही थी, वो वीक होती जा रही थी, और दिख रहा था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। कविता की जो फैमिली थी वो भी वेल एजुकेटेड थी, तो वो ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने उसको हर हॉस्पिटल में दिखाना शुरू कर दिया कि शायद कहीं ना कहीं से तो कविता पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन कविता की हालत और ख़राब होती जा रही थी। अल्टीमेटली जिस चीज़ पे वो भरोसा नहीं करते थे उस चीज़ के भी सोल्यूशन उनको देखने पड़े। उन्होंने अलग अलग पुजारियों या फिर तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया सिर्फ कविता की भलाई के लिए। तो उन्होंने कविता के बारे में बताया तो बहुत कुछ कि इस पे ब्लैक मैजिक हुआ है, इस पे कोई साया है, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कविता का अल्टीमेटली कोई इलाज ही नहीं कर पा रहा था। अब धीरे धीरे कविता की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। फैमिली बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थी, क्योंकि ना कविता कॉलेज पूरा कर पाई थी, ना ही उसकी जो शादी होने वाली थी वो हुई थी, वो शादी ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो गई थी, क्योंकि किसी भी लड़की की उसकी रिंग सेरेमनी में ऐसी हालत देख के शायद ही कोई प्रोसीड करे। अब ऐसा ही कुछ कविता के साथ भी हो रहा था। वो बेचारी बहुत ही परेशान थी, मतलब बिना कुछ भी बुरा किए वो इतना कुछ झेल रही थी जितना वो डिज़र्व तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। और किस लिए? जस्ट बिकॉज शी हैड अ गुड हार्ट। अब इसके बाद जो कविता की फैमिली थी वो ऑलमोस्ट थक गई थी कविता को हर जगह घुमा घुमा के। कविता बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करती थी, वो कभी कभी रात को उठ के भागना शुरू कर देती थी, वो चीखें मारती रहती थी, वो रोती रहती थी, और उसको ऐसा लगता था कि उसको कोई मारना चाहता है। उसकी नींद टूटती रहती थी, वो वक्त बेवक्त सोई रहती थी, खाना नहीं खाती थी, मतलब हर तरह से वो वीक हुई जा रही थी। लेकिन शायद कविता के साथ अभी कुछ अच्छा होना बाकी था। एक दिन कविता पे ऐसा ही पोजेशन बहुत ही ज़्यादा हावी हुआ था जिसमें कविता बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, तो उनके ही घर से थोड़ा सा दूर एक लेडी का घर था, उसने भी रास्ते से जाते हुए ये चीखें सुनी, तो उसको बहुत वियर्ड लगा। ये जो लेडी थी ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज्ड लेडी थी, और ऐसा भी माना जाता था कि ये जो लेडी है इसके अंदर इनके देवता आते हैं, इनके देवता जो हैं वो उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो वो जो लेडी थी उससे रुका नहीं गया ये इतनी ज़्यादा चीखें सुन के कि इतना कौन परेशान हो सकता है या फिर यहाँ पे क्या हुआ है। तो जैसे ही वो अंदर गई तो उसने देखा कविता की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। इनफैक्ट उस लेडी की वो पहचान में ही नहीं आ रही थी, वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी। जो कविता की फैमिली थी उन्होंने उसको पकड़ा हुआ था कस के, और वो ज़मीन पर लेटी हुई थी। तो उस लेडी ने जाके पूछा कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो घर वालों ने सब कुछ बताया जो कुछ भी उन्होंने अभी तक फेस किया था, हॉस्पिटल्स में लेके जाना, तांत्रिकों के पास लेके जाना, सब कुछ, लेकिन उस पर किसी का असर ही नहीं पड़ रहा था।
तो वो जो लेडी थी उसने बोला कि इसको मेरे घर ले चलो। तो वो तभी के तभी कविता को उसके घर ले गए। उस लेडी ने थोड़ी देर ध्यान लगाया, फिर जो उनके देवता थे उन्होंने उसके अंदर प्रवेश किया और उन्होंने उनको सब कुछ बताया कि क्या क्या कविता के साथ चीज़ें हो रही हैं। डायरेक्टली उन्होंने पॉइंट करके नहीं बताया कि किसने क्या किया है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें इतनी ज़्यादा बता दी थी कि जो कविता की फैमिली थी वो समझ गई थी कि असल में ये सारा का सारा मैटर है क्या। अब इसके बाद इस चीज़ का सलूशन करने के लिए उन्होंने कविता की फैमिली को कुछ पूजाएं बताई जो कि उनको हर महीने करनी थी, लगातार करनी थी। कविता की फैमिली ने बिना कुछ सोचे, क्योंकि वो पहले ही बहुत सारा टाइम कविता पे दे चुके थे और शायद अब वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो कविता को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ सकता था, तो उन्होंने कविता की ये सारी की सारी पूजाएं बिना सोचे शुरू कर दी और अल्टीमेटली जो कविता थी उसने रिकवर करना भी शुरू कर दिया। पर ऐसा कहा भी जाता है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और ऐसा ही कविता के साथ भी हुआ था। कविता का जो बॉयफ्रेंड था, हालांकि उसकी फैमिली ने तो रिश्ते के लिए मना कर दिया था, लेकिन वो हमेशा ही कविता के साथ ही था, उसके बुरे टाइम में भी। अब इसके बाद जब कविता ने रिकवर कर लिया था तो लड़के ने फिर से अपनी फैमिली को मना लिया था कविता के लिए, ये बता के कि किस तरह से कविता के साथ क्या क्या हुआ था पास्ट में और अब कविता बिल्कुल ठीक है। तो अल्टीमेटली उनकी शादी भी हो गई और साथ ही जो कविता के डैड हैं वो तो अपने भाई से बात बात करते हैं, लेकिन जो ममता और उसकी मोम हैं उनसे कविता की फैमिली में से कोई भी बात नहीं करता। ऑब्वियसली कोई इंसान अगर आपका इतना बुरा चाहेगा तो उनसे कोई बात क्यों ही करेगा। तो अभी कविता की लाइफ बहुत ही सॉर्टेड है, कविता के दो बच्चे भी हैं और ये जो कविता की फैमिली है ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली है। सो अगर आप बाय हार्ट अच्छे हो और हमेशा अच्छा ही करते रहोगे तो नो मैटर व्हाट एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ अच्छा ही होगा। ऐसे ही कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट यही बताते हैं। सो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता तो नहीं लेकिन आपके साथ या फिर आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे, दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।